नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। गुरुग्राम पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साल के बच्चे का अपहरण करने के बाद गला दबाकर वह ईंट के रोड़े से चोटे मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अपराध शाखा सेक्टर 10 गुरुग्राम की टीम ने काबू कर लिया। दरअसल बच्चे की मां द्वारा आरोपी व आरोपी की पत्नी के बीच मनमुटाव व झगड़ा होने पर आरोपी व इसकी पत्नी को समझाने के बाद वह आरोपी की पत्नी को उसके पिता द्वारा अपने साथ ले जाने की रंजिश रखते हुए आरोपी ने दिया था बच्चे का अपहरण करके हत्या को अंजाम। आरोपी की निशानदेही पर बच्चे का शव व वारदात में प्रयोग की गई एक ईंट का रोड़ा पुलिस टीम द्वारा बरामद भी किया गया था। आइए आपको सुनाते हैं एसपी प्रीतपाल सांगवान का ये बयान। दिनांक 22/7/2021 को बुद्धू सानी जो बसई इंक्लेव का रहने वाला है, मेहनत मजदूरी का काम करता है, उसने बताया कि मेरा बच्चा गणित जो 6 वर्ष का था उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, जिसके संबंध में हमने सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके उसकी क्राइम टीम सेक्टर 10 द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन गुड्डू सानी नाम के व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की, जिसने पूछताछ पे बताया कि इस गणित नाम के लड़के को मैंने ही किडनैप किया था पार्क से बहला फुसला के और उसको दूर ले जाके झाड़ियों में उसकी पत्थर मार के मैंने हत्या कर दी, जिसकी मैं निशानदेही करा के बरामद करा सकता हूँ। जिस पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते उसकी निशानदेही पे उस डेड बॉडी को बरामद करके उसका पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की गई और इससे डिटेल में पूछताछ की गई कि इसने गुड्डू सानी ने ऐसा क्यों किया, तो उसने बतलाया कि 1 महीने पहले उसका और उसकी मिसिज का झगड़ा हो गया था और उसकी मिसिज की मौसी जो इस मृतक लड़के की माँ है वो भी उसमें आ गई थी उसके सास ससुर के साथ उसको समझाने के लिए और मेरे को ये लगता था कि उसी के कहने से हमारा घर खराब हुआ है। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।